हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से वीडियो भर्ती यानी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 वाले कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। देखिए, न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो 2021 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड्स, जो भी वीडियो भर्ती 2021 में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया है। और फ्रेंड्स, सभी जो 5000 से ज़्यादा पद हैं उन सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आ चुका है। फ्रेंड्स, एक एक करके सभी अपडेट्स को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसके नोटिफिकेशन को ओपन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल पैनल। यहाँ पर देखिए कार्यालय आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, डेट देखिए 2/9/2022। कार्यालय आदेश में क्या है, देखिए जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2021 हुई थी, जिसमें देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4557 और अनुसूचित क्षेत्र के 839, ऐसे टोटल मिलाकर 5396 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया का जो प्रारंभिक एग्जाम था उसका रिजल्ट 12/4/2022 की डेट में जारी किया गया था। उसके बाद मुख्य परीक्षा 9/7/2022 को आयोजित कराई गई थी। मुख्य परीक्षा का परिणाम 29/7/2022 को जारी किया गया था। और अब फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दस्तावेज सत्यापन के लिए जो कैंडिडेट सूचीबद्ध किए हैं उनकी पात्रता की जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनका शेड्यूल आ चुका है ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए। अब देखिए, आपको एक यहाँ पर एक फॉर्म भरना होगा, वो किस प्रकार से है देखिए। दस्तावेज सत्यापन की जांच हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरेगा तथा दस्तावेज सत्यापन की फीस भी ऑनलाइन जमा कराएगा। उक्त विस्तृत आवेदन को भरने के लिए अभ्यर्थी को अपनी SSO ID पर जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माई रिक्रूटमेंट के बाद डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाकर वीडियो के लिंक के सामने अप्लाई नाउ पर जाकर क्लिक करना है और वहां पर आप अपनी फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, उक्त अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी 2 प्रति एवं जमा फीस की प्रति प्रिंट कर दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने साथ लाएगा। यानी जो आप यहाँ से फीस का यहाँ से अप्लाई करेंगे तो उसकी जो प्रिंट है उसको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाना है। साथ ही आपके जो भी अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, आचरण, विशेष योगजन, विवाह, खेल राष्ट्रीयता, सेवारत होने के संबंध में जो भी मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ में ले जाने हैं और स्वयं का पहचान पत्र या आधार कार्ड जो भी है वो भी आपको ले जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब देखिए कितने कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो सभी का लिस्ट जारी कर दिया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले कैंडिडेट अपने अपने रोल नंबर यहाँ से मैच कर लीजिएगा। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। 6/9/2022 की डेट से इनका DV शुरू होने वाला है। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं इसमें, सबका अलग अलग डेट में रखा है। देखिए, इन कैंडिडेट का 7/9/2022 की डेट में है। तो काफ़ी लंबा ये प्रोसेस चलने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स लगभग 5500 के आसपास ये भर्तियां हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। तो पूरी लिस्ट को आप देख लीजिए, आपका किस डेट में शेड्यूल है उसके अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिएगा और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उनका सभी का जेरोक्स भी आप करवा लीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्र वाले कैंडिडेट यहाँ से अपना डिटेल चेक कर लीजिए। तो टोटल इस लिस्ट में देखिए कितने कैंडिडेट हैं, सभी का यहाँ पर जारी कर दिया है। और लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 23/9/2022 की डेट में होगा। पंचायती राज विभाग प्रत्येक अभ्यर्थी के दस्तावेज की जाँच कर रिपोर्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र को अलग अलग अपनी टिप्पणी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाएगा, जिसमें अभ्यर्थी के पात्र, अपात्र, अनुपस्थित या प्रोविजनल पात्र होने की स्पष्ट रूप से टिप्पणी अंकित की जाएगी। यदि अभ्यर्थी अपात्र या प्रोविजनल पात्र पाया जाता है
तो अपात्र पाए जाने या प्रोविजनल पात्र पाए जाने का कारण भी उसके नाम के आगे स्पष्ट रूप से अंकित होगा। यानी फ्रेंड्स, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यदि कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह जाती है या किसी कारण से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फुल तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसका भी अपडेट आपके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया जाएगा और फिर से एक पैनल जारी किया जाएगा जिसमें किस वजह से आपका अभी प्रोविजनली रूप से आपको रखा गया है तो उसका उसमें विवरण दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट एब्सेंट रहेंगे उनके लिए ब्लॉक डेट दिया जाएगा, उस डेट में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फिर भी ये एब्सेंट रहते हैं तो इनको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, इनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए ये प्रोसेस है। इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड अपडेट लगातार मिलती रहे।